कई बार लोगों को तुम्हारा इतना स्पष्ट होना, इतना स्पष्ट होकर बोलना बहुत अखरता है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती। सच सुनना हर कोई पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ में ही चार शब्द कहते रहो, लेकिन सच मत कहो अगर वो कहीं गलत हैं। तो तुम उनकी गलतियां मत बताओ। लोग गलतियां सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि अपने स्वभाव को किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। खुद को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कहाँ ज़रूरत है, तुम जितना स्पष्ट बोलते हो उतने ही स्पष्ट रहना। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो हर किसी के सामने स्पष्ट बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम जैसे हो बस वैसे ही रहना। और अपने स्वभाव को इतना ही पारदर्शी बनाकर रखना। तुम्हारी पारदर्शिता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, यही तो तुम में बहुत अनोखी है। क्योंकि तुमसे अच्छी तरह से कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता। तुम जानते हो स्वयं को, तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है किसी के लिए भी। और यही कारण है कि तुम्हें स्वयं को बदलने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं को पहचानो। जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो फिर तुम सही हो। कोई तुमसे कितना भी कहता क्यों ना रहे, अगर तुमने कह दिया कि तुम सही हो और अगर फिर भी तुम्हें असमंजस है तो फिर तुम मुझसे पूछ लो। मैं तुम्हें गलत सलाह कभी नहीं दूंगा। और अगर मैंने कह दिया कि तुम सही हो तो फिर तुम्हें खुद को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ लो कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें एक ऐसी पर्याप्त, एक बहुत अच्छा तुम्हारे अंदर एक स्वभाव है। बहुत अच्छी तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी एक पहचान है। बहुत अच्छी तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है। तो उस काबिलियत को बस अपने अंदर बना रहने दो। और उसके बाद कौन क्या कहता है, ज़रूरत नहीं है सुनने की, ज़रूरत नहीं है समझने की। और तुम्हें पता है, लोग कई बार पूछते हैं कि मेरी पूजा कैसे होती है, मैं कैसे पूजा करूं। हमेशा मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं। मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, कुछ मत करो। तुमने मेरा नाम ले लिया, तुमने अपने दिल में मेरे मुझे बिठा लिया, इतना ही काफ़ी है। खुश रहो, सदा खुश रहो।